मैरिजन कैप साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने मार्च 2009 से अपने देश के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। मैरिजन कैप का जन्म 4 जनवरी 1990 पोर्ट एलिजाबेथ ईस्टर्न कैप साउथ अफ्रीका में हुआ। इनके पिता का नाम पीटर काप और इनकी माँ का नाम नैरेदा लामपर्च है। इनकी बहन का नाम लीजान सैमन और जेनिया नॉर्के है और इनके लाइफ पार्टनर का नाम डैनविन नाइकर का है। मैरिजन काप दाएं हाथ के बैटर और दाएं हाथ की मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक ऑलराउंडर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 7। मैरिजन काप की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर T20I में इनकी कैप नंबर है 19। इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 26 जून 2009 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और वनडे में इनकी कैप नंबर है 54। इन्होंने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 10 मार्च 2009 को ये भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला और टेस्ट मैच में इनकी कैप नंबर है 52। इन्होंने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल मैच 16 नवंबर 2014 को इंडिया के खिलाफ खेला और मैरिजन काप डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में ईस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थर्न्स, सिडनी सिक्सर्स BBL, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, ओवल इनविंसिबल, पर्थ स्कोरर्स BBL और दिल्ली कैपिटल टीम से खेली और खेलती हैं। मैरिजन काप ने कवेगा PSDF मेल हेरबे से अपनी स्कूलिंग की और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से ग्रेजुएशन की। इन्होंने 13 साल की उम्र से इंडोर क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर स्कूल में लड़कों के साथ क्रिकेट खेला, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैरिजन काप दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट अकेडमी में पुरुषों के साथ मैच खेलने के लिए शामिल होने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी और 19 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप 2009 में अपना क्रिकेट पदार्पण किया। इस विश्व कप में अपनी शुरुआत करने के बाद इन्होंने खुद को एक प्रमुख तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के रूप में विकसित किया। फिर 2013 के विश्व कप में मैरिजन काप ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें कटक भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 102 रन बनाए और अपनी तेज गेंदबाजी से 3 विकेट भी लिए। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 2014 में अंतर्राष्ट्रीय T20I में हैट्रिक लेने वाली विश्व की तीसरी और साउथ अफ्रीका की पहली महिला क्रिकेटर बनी और दक्षिण अफ्रीका को 2014 के T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2017 विश्व कप में इंग्लैंड में आया, जिसमें मैरिजन काप 13 विकेट के साथ टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही और दिसंबर 2017 में इन्हें ICC महिला ODI टीम ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया और 2018 ICC महिला विश्व 2020 टूर्नामेंट के 4 मैचों में 98 रन बनाकर टूर्नामेंट में दक्षिण अफ्रीका के लिए हाई रन स्कोरर भी रही और सितंबर 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने 100 ODI विकेट भी पूरे किए और मई 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के लिए 100 ODI मैच खेलने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बनी और 14 मार्च 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में ODI क्रिकेट में अपना पहला 5 विकेट हॉल लिया और जून 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में मैरिजन काप ने 150 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक बनाया और इनका दक्षिण अफ्रीका के लिए महिला टेस्ट मैच में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी रहा। इसके साथ T20I मैचों में मैरिजन काप 1000 रन बनाने और 50 से अधिक विकेट लेने वाली दक्षिण अफ्रीका की 5वीं महिला क्रिकेटरों में से एक है और वनडे इंटरनेशनल मैचों में 2000 से अधिक रन और 100 से अधिक विकेट लेने वाली एकमात्र दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर खिलाड़ी है। तो हम कामना करते हैं कि मैरिजन काप ऐसे ही क्रिकेट खेलती रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगे और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे टीम नेशन तमाशा@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।